सोलन नगर निगम संघर्ष समिति द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने की। उन्होंने इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल का धन्यवाद किया और कहा कि सभी ने नगर निगम की मांग को प्राथमिकता दी और नगर निगम संघर्ष समिति के संघर्ष को सराहा और जनहित में भाजपा सरकार ने सोलन को नगर निगम बनाने के लिए स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि नगर निगम बनने से शहर में चहुमुखी विकास होना तय है। इससे शहर में जहां सीवरेज व्यवस्था सुधरेगी, वहीं यातायात और जल व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। समिति के अध्यक्ष कुल राकेश पंत ने इस मौके पर कहा कि संघर्ष समिति ने 3 चरणों में नगर निगम के लिए संघर्ष किया और पहले चरण में नगर निगम के पक्ष में 8,000 सोलनवासियों के हस्ताक्षर करवाए गए। दूसरे चरण में 750 स्टिकर शहर में लगाए गए। वहीं तीसरे चरण में सोलन के 15 वार्डों से 900 पोस्ट कार्ड प्रदेश सरकार को भेजे गए, जिसमें सभी ने नगर निगम की बात कही थी। उन्होंने कहा कि इस मौके पर विशेष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी संघर्ष समिति के आग्रह पर मुख्यमंत्री हिमाचल जयराम ठाकुर को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि जनता और संघर्ष समिति के सदस्यों के अथक प्रयासों से सोलन को नगर निगम का दर्जा मिला है, वे सभी का धन्यवाद करते हैं। वहीं उन्होंने गांव वासियों का भी धन्यवाद किया और कहा कि गांव वासियों ने भी सोलन नगर निगम का विरोध नहीं किया, लेकिन गांव की जमीन नगर निगम में न आए इसके लिए वे संघर्ष करते रहे, जिसके चलते उन्हें ज्ञात हुआ है कि कुछ गांव वासियों पर मामले दर्ज हुए हैं, जिसके लिए वे प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि वे उनके मामले को वापस लें और वे भी जिला के विकास में अपना योगदान दे सकें। कि आपको मालूम ही है कि 2017 में सोलन को नगर निगम बनाने के लिए नगर निगम संघर्ष समिति की स्थापना हुई थी। नगर निगम संघर्ष समिति की स्थापना के इमीडिएटली बाद हमने करीब 8,000 से ज़्यादा लोगों के हस्ताक्षर कराए और उसका जो हमारा दूसरा चरण था उसमें करीब 750 के करीब जो स्टिकर्स हैं वो कमर्शियल हाउसेज में और दुकानों में लगाए गए। थर्ड चरण था उसमें 15 के 15 वार्डों से 900 से ज़्यादा लोगों ने पोस्ट कार्ड सीएम साहब को भेजे कि सोलन को नगर निगम बनाया जाए, और अब नगर निगम बन गया है। इसमें हम सबसे पहले तो श्री जयराम जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी का, श्री सुरेश भारद्वाज जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, और अपने जो हमारे स्थानीय मंत्री हैं डॉक्टर सैजल साहब, उन्होंने इनमें विशेष रुचि दिखाई तभी ये पॉसिबल हो सका। और सोलन नगर निगम के जितने भी हमारे साथी हैं, इन लोगों के संघर्ष के वजह से ही ये नगर निगम बना है। मैं इन सबको बधाई भी देना चाहूँगा और उसके साथ इनका मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा। सोलन की पब्लिक का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, और 40 जो ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इस एजिटेशन में हमारे साथ आकर खड़ी हुई थी। शांता कुमार जी जब सोलन में आए थे तो हम उनको मिले थे, उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखकर ये कहा था कि सोलन के जो नगर निगम बनाने की डिमांड है वो बिल्कुल जायज़ है, और उन्होंने उस पर एक पत्र उनको लिखा था, उसकी कापी भी हमारे पास है। उनकी मुख्य मांग यही थी कि जो कल्टीवेटेड लैंड है वो नहीं आनी चाहिए, तो ऐसा लगता है, हमारा भी अंदाज़ा है कि वो जो कल्टीवेटेड लैंड है वो नहीं आ रही, तो शायद उनकी मांग का भी रिड्रेसल हो गया हुआ है। और जो वहाँ लोगों ने मकान बनाए हुए थे और उनका ये कहना था कि भी किराया हमें ये टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो 3 साल के लिए टैक्स का भी एग्जम्पशन हो गया, तो शायद मेरे ख्याल काफ़ी नाराज़ी दूर हो गई है। और फिर भी आने वाले समय में अगर उनकी कोई जेन्युइन बात होगी तो हम संघर्ष समिति के लोग किसी भी रूप में उनके साथ खड़े होंगे और उनकी बात भी मानी जानी चाहिए। वो हमारे भाई हैं और हम उनके धन्यवादी हैं कि वो अपनी बात कहते कहते उन्होंने सदा एक डिसेंसी रखी है कि उन्होंने सोलन नगर निगम की मांग को कभी विरोध नहीं किया। अखबारों के माध्यम से हमें पता लगा था कि इस दौरान जो लोग संघर्ष कर रहे थे तो डिफरेंट उसमें जैसे ग्रामीण परिवेश के लोग भी कुछ संघर्ष कर रहे थे, तो उसके लिए सरकार ने कुछ लोगों पर केस बनाने की बात भी की गई है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बात गलत हो, गलत है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो हमारा आग्रह सरकार से और डिप्टी कमिश्नर साहब से भी हम मिलकर ये कहेंगे कि अब एक नई शुरुआत की जाए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बन गई है और सब लोगों के हित में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम हो, और ये जो केसेस छोटे मोटे हैं इनको भी जल्दी से जल्दी विड्रॉ किया जाए ताकि हम उन भाइयों के साथ मिलकर सोलन के विकास के लिए आगे बढ़ें।